फाइनली हम काफी टाइम के बाद में सेंटर से जा रहे हैं घूमने के लिए पिकनिक पे। मैं नहीं मानता। और साथ में अपने विकास है और इधर अपना कुणाल है। अभी स्टैंड पे जा रहे हैं, स्टैंड पे जाने के बाद में कंफर्म होगा कि बस से जाना है, ऑटो से जाना है, मगर मेरे को लग रहा है कि अभी हमें सिर्फ बस से ही जाना है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। फाइनली बस मिल चुकी है और सीट नहीं मिली, मगर मनीष आगे जाके बैठ गया। उसने कहीं ना कहीं टिका ली और टिकाने के बाद में भी उसने कहीं देखा दूसरी जगह इसको सीट मिल गई। अब ये सीट पर आके बैठ चुका है, मगर जिस सीट पे बैठा है वो ब्लाइंड्स के लिए है। अब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब यहाँ पर मैंने विकास ने कुलाल ने तीनों ने मिलकर इसकी अच्छी खिंचाई करी। मनीष का टेस्ट पूरा हुआ, मगर अब प्रिंस बोलेगा क्योंकि इसके भी खुजली उठ रही है। ये भी बोलेगा ये अपना टेस्ट दे रहा है, इसका तीन है दो है, तीन है दो है, मतलब दोनों ने हद ही कर दी भाई ने। अभी फाइनली इनसे बात हुई, यहाँ से थोड़ी ही दूर है, अब हम बस से उतरेंगे। उतरने के बाद में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, मिलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। फाइनली बस से उतरने के बाद हम बाहर आ चुके हैं और ये विकास भाई पूरी हवा में है। भाई बंद कर। सीरियसली? नहीं देखो वाली बात नहीं, मैं कभी हवा में नहीं होता। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और कहाँ पर है? मैं जमीन पे हूँ क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। विकास भाई जमीन पर है, कितने जुड़े हो भाई? कितने जुड़े हुए हो? मैं अभी बैठ जाऊंगा जमीन पे। अच्छा, लेट जाऊंगा जमीन पर बैठ जाएंगे। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल अंदर जाते हैं, उधर जाके देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इसके बाद हमें उधर का एक्सपीरियंस लेते हैं और देखते हैं कि निब्बा और निब्बी ने उधर क्या क्या करामातें कर रखी हैं। और विकास भाई ने मेरे को सुबह बताया था कि जो भी उधर नाम वगैरह लिखे हुए हैं वो जाके उधर उनको मिटाने हैं, तो आई थिंक उसके लिए आप कुछ लेके आए हो। हाँ सर, मैं डस्टर लाया हूँ। अच्छा, डस्टर भी ले गए, तो कोई नहीं, उधर जाके हम ये वाली प्रक्रिया पूरी करेंगे और देखेंगे कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। अब अंदर आने के बाद में देखते हैं कि अंदर क्या होता है। अभी टिकट ली थी, टिकट लेने के लिए ओ वीडियो ओ सॉरी मतलब इस बंदे को इधर आके भी निब्बी निब्बियों पर फोकस है। मजाक कर रहा हूँ यार, तेरे मजाक तो के लिए हेडलाइन दे रहा था। नहीं हेडलाइन ठीक है, मान रहा हूँ, प्रोमो डाल दे, इतना नहीं होना चाहिए। प्रोमो क्या? ब्लॉग का प्रोमो डाल दे। नहीं, ब्लॉग का प्रोमो ठीक है, वो चल जाएगा। अभी इधर आने के बाद करना क्या? ये चीज स्क्रिप्टेड थी। अच्छा, इसने पूरी लिख के दी थी मेरे को। ऐसा कुछ नहीं है भाई। वाह क्या सीन है। अब हम अंदर आ चुके हैं। एंट्री करने के बाद में दोनों तरफ कुछ रूम बने हुए थे, उनमें एक तरफ ये है, इसमें कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई निज़ामुद्दीन क्या है, कैसे मतलब इसकी स्थापना वगैरह, और दूसरी तरफ ये है, इसका पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर मतलब मैप बना रखा है इसका कि भाई वो मकबरा कहाँ पर, कहाँ से एंट्री करनी है, पूरा इसका एक तरीके से मैप दे रखा है। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। इधर आने के बाद में कुछ चीज़ें थी जो कुछ खुदाई वगैरह करने के वक्त में इनको मिली थी। यहाँ पर अपना कुणाल हवाबाजी कर रहा है और ये कुछ इसके बारे में जानकारी। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अब फाइनली वहाँ से निकल के आ चुके हैं। इसका पूरा एक तरीके से व्यू, मैन व्यू है इसका। यहाँ पर एक हौद बनी हुई है, यहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक करने हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा टॉप पर। फाइनली हम टॉप पर आ चुके हैं। आने के बाद में इसका कुछ अलग व्यू है और यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, इधर भी है कुछ, मतलब एक तरीके से नज़ारा अलग ही है। अंदर भी जाना है, इधर से हम अभी आए थे, आने के इधर ये रास्ता मैंने, उसके बाद में अंदर भी जाना है। और ये इधर जो देख रहे हैं अपने विकास भाई हैं, अब ये जो चीज़ है, इधर जो मैन गेट है, इधर से हम आए थे, जो अभी चीज़ें दिखाई थी वो इधर ही थी। फाइनली इसके भीतर आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी सी बकैती पीली जा रही है और यहाँ पर एक हमें कैदी मिल चुका है। ये मुझे आज़ादी चाहिए, मतलब इस नल्ले को अब आज़ादी चाहिए, मतलब इतनी आज़ादी लेने के बावजूद भी अभी आज़ादी मांग रहा है। और अभी इसके अंदर है वो, यहाँ पर तो कब्र है उसका पता नहीं है, ये कब्रें अंदर जो है कुछ इस तरीके का इधर व्यू है और यहाँ पर कुछ मतलब रूम्स बने हुए, छोटे छोटे बने हुए, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और यहाँ पर जो ये वाली मैन कब्र है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऊपर का नज़ारा है। आप थोड़ा करके चिल करते हैं और यहाँ पर अपने विकास भाई ने सुहेल को पकड़ लिया है, उसका हाथ देख रहे हैं 30 रुपये में, मतलब एक फेस फिक्स कर ली थी कि भाई चलो इधर है कुछ कमाई हो जाए। अब 30 रुपये में इसका हाथ देखा है, इसको कुछ नॉलेज दे रहे कि भाई तेरा ये है वो है, दो शादी होंगी, 4 बच्चे होंगे, ATC, मतलब काफ़ी देर इसको पकड़ के रखा। अब इसके बाद में जब इसका पूरा हो जाएगा वो पकड़ेंगे फिर कुणाल को, अभी थोड़ी देर में कुणाल आएगा उसको लेके बैठ जाएंगे। इसका पूरा हो चुका है, अब ये मेरे को थोड़ा ज्ञान दे रहे कि क्या है कैसे। अब आ गया अपना कुणाल, यहाँ पर इन्होंने कुणाल को पकड़ लिया। अब कुणाल को भी वही फीस बताई, इसका चार्ज थोड़ा अलग करा था, 4 बीवी 6 बच्चे, मतलब कुछ भी। यहाँ पर थोड़ा अभी सोच रहे हैं कि हाँ भाई क्या है कैसे, बोल दिया कि भाई तेरे हाथ में पैसा नहीं रुकेगा और तेरी 4 शादी होंगी, 6 बच्चे होंगे। ये पूरा होने के बाद में अभी यहाँ से जाने के बाद में कुछ गेम प्ले करेंगे।
लाला जी ने लड्डू खाए, कितने खाए? लाला जी ने लड्डू खाए, कितने खाए? कितने खाए? 2.5। ये प्रैंक था। चलो बहुत तेज हो रहा है, रीस्टार्ट। हाँ चलो फिक्स हो, चलो 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 सर, यू डोंट यूज पॉइंट सर। ओके दशमलव में नहीं करेंगे कुछ बच्चे। कौन है आपका दोस्त? विल आउट फ्रॉम द गेम। ओके सर, देखो भूल गए आपके दोस्त। विल आउट? नो नॉट नाउ, जस्ट बिकॉज वी डिडंट इन्फॉर्म देम। लाला जी ने लड्डू खाए। अरे कहना क्या चाहते हो? वन टू थ्री बॉल फ्री। वन टू थ्री बॉल फ्री। हेलो गाइस, ये हम हैं और ये हम हिमायू टॉम पर हैं और ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और ये हमारी क्या हो रही है? पावरी हो रही है। ये हमारी हो रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। यहाँ पर हमने काफी इंजॉय किया। करने के बाद में सीधा मिलते हैं अगले व्लॉग में।